हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के आर एस अग्रवाल के चैप्टर नंबर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने क्लास एक्सरसाइज 11 ए के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जिसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया था, लेकिन ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें बाई यूजिंग फॉर्मूला हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उससे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ये r जो है यह रेट परसेंट है, n यह जो हमारा टाइम होता है, और ये जो टाइम है ये ईयर्स में लेंगे हम। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब रेट परसेंट हर साल के लिए सेम होता है तब हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब हर साल रेट परसेंट में डिफरेंस होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर का जो रेट परसेंट है पी परसेंट है तो यहाँ पर पी बाय 100, और अगले साल का क्यू परसेंट है तो क्यू बाय 100। अगर इसके बाद भी कोई ईयर होता तो उसी के अकॉर्डिंग हम 1 प्लस जो भी परसेंट रेट परसेंट होता उसके अकॉर्डिंग हम इसे और आगे फर्दर बढ़ाते चले जाते। इसके बाद देखिए, इसमें सीआई के केसेस में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के भी आते हैं। जो हमारा रेट परसेंट जो है वो तो सेम ही रहता है हर साल के लिए, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में दिया होता है। तो देखिए, जब भी टाइम पीरियड फ्रैक्शन में होगा उसके लिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। यह 2 साल के लिए था इसलिए पावर 2 आया, अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पावर 3 कर देते। इसके बाद जो भी ईयर होगा, ये जो भी फ्रैक्शन में है, इसे सबसे पहले हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3/5 अपने आप में ईयर में है, तो डायरेक्ट 3/5 लिख देंगे इनटू का आर जो भी रेट परसेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 फॉर्मूले के हिसाब से हमें 11 बी को सॉल्व करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ 6 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद वाली वीडियोस में आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बाई यूजिंग फॉर्मूला हमें प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए, प्रिंसिपल गिवन है 6000, टाइम पीरियड गिवन है हमें 2 ईयर, और रेट परसेंट गिवन है हमें 9% जो कि कंपाउंडेड एनुअली है, यानी पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा उस केस में चीजें बदल जाती हैं। तो देखिए, हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, तो मैं फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस आर, आर की जगह 9, यह परसेंटेज की वजह से ही अपॉन में 100 आया था, तो इसमें दोबारा 100 हमें नहीं लगाना, इनटू का 2। देखिए वैल्यू कितनी बनेगी, इनटू यहां से कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए, 109/100 और इसकी पावर हो जाएगी 2 स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ये 6000 आएगा, 109 अपॉन में 100 है इसलिए 1.09 × 1.09। सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी 7128.6। पीछे 0 लगा लेते हैं, यानी कि 60 पैसे। तो जो हमारा टोटल अमाउंट हुआ वो 7128.60 रुपए बनेगा। तो ये तो हमारा टोटल अमाउंट है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए सिर्फ सीआई कि हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया, तो हम इस अमाउंट में से गिवन प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर 7128.60 माइनस का 6000, जो कि हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 1128.60। तो इस तरीके से हम इसमें सीआई फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 10000 प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल, और 11% कंपाउंडेड एनुअली, सेम यही क्वेश्चन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल दिया है 10000, इसके बाद में अमाउंट रेट परसेंट दे रखा है हमें 11% पर एनम, और टाइम पीरियड दे रखा है हमें 2 साल। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, n की जगह 2, इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई वैल्यू यहां से कटेगी नहीं, 111 आएगा ऊपर अपॉन में 100, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 1.11 × 1.11, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 1.11, ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से 12321 रुपए।
तो अमाउंट बन गया हमारा 12,331 रुपए। अगर हम इसमें से सी आई ही फाइंड आउट करें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 12,031 में से, सॉरी 12,321 में से 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, हमारा सी आई निकल के आएगा 2321 रुपए। यही हमारा सी आई बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यानी इसमें डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं करनी, सिर्फ हमें कैलकुलेशन ही करनी है। 31,250 रुपए 3 साल और 8% वैल्यू लिखते हैं प्रिंसिपल 31,250 रुपए, रेट परसेंट हमें दे रखा है 8% जो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम पीरियड दे रखा है हमें 3 साल। देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर n टाइम पीरियड 3। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू कट जाएगी, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 31250 इनटू का ये 2 टाइम्स हम यहां से काट सकते हैं, 2, 4 और 25, लेकिन जब हम इसे काट के सॉल्व करेंगे तो यहां वैल्यू सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं 108/100। यहां इसका क्या फायदा होता है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 25 लिखते फिर एलसीएम लेते इसके बाद क्यूब करते, इससे बेटर है, अब हमारे नीचे वाले नंबर का क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है। 3 बार लिख देंगे, देखिए हमें सिर्फ ऊपर वाले ही नंबर का क्यूब करना पड़ेगा। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट बनेगी अच्छा हमारी टोटल वह बनेगी 39,366। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। इसके बाद हमें यहां से सी आई फाइंड आउट करना होगा, तो अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि अमाउंट हमारा 39,366, प्रिंसिपल हमारा कितना है 31,250 रुपए, सब्ट्रैक्ट करने पर सी आई की वैल्यू बनेगी 8,116 रुपए। तो चलो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ₹10,240 रुपए प्रिंसिपल, टाइम दे रखा है 3 साल और रेट परसेंट दे रखा है 12.5%। कैसे करेंगे देखते हैं, प्रिंसिपल हमें दे रखा था 10,240 रुपए, रेट परसेंट 12.5% पर एनम, और टाइम पीरियड हमें 3 ईयर दे रखा है। तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए पी इंटू 1+, अब देखिए आर को सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में है, इसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर में, तो देखिए 25/2 हो जाएगा, तो 1+R/100, देखिए अपॉन में 100 आ जाएगा, 25/2 जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहां पे काटने से हमें फायदा रहेगा क्योंकि वैल्यू ऐसे ही बहुत ज्यादा छोटी है, 10,240 इंटू का ब्रैकेट में देखिए 1+1/8 और इसका भी हमें करना है क्यूब, 10,240 इंटू का देखिए 8, 9/8 और इसका हम कर देंगे क्यूब, 10,240 इंटू 9/8। सॉल्व कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू बन रही होगी 14,580 रुपए। यह है बच्चों हमारा अमाउंट, और हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा, यानी 14,580 में से 10,240 को घटा देंगे, हमारा अमाउंट बन के आएगा 4,340 रुपए। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आइए बच्चों फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, 62,500 प्रिंसिपल है, और जो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड हमें फ्रैक्शन में लेना होगा क्योंकि 2 साल 6 महीने है, तो हम यहाँ पे 6 महीने को पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल मेंशन है इसमें, एक प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल है हमारा 62,500 रुपए, टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 साल 6 महीने और रेट परसेंट है इसमें हमारे लिए 12%। अब देखिए क्या डिफरेंस आएगा। पहले मैंने आपको बताया था ये साल जो है ये तो 2 साल ठीक है, लेकिन इसे भी हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 6 महीने में कितने साल होते हैं ये बताना है, तो देखिए 6/12 कर देंगे यानी कि 1/2 ईयर, ऐसे भी बोल सकते हैं आधा साल और लगेगा, यानी 6 महीने आधे साल के बराबर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 2 साल के लिए सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1+R/100 की पावर n, तो 2 साल पूरा पूरा है इसलिए यहां पर 2 लिख देंगे इनटू। अब जो बचे हुए 6 महीने के लिए है उसके लिए यहां पर 1+R में कोई चेंज नहीं, R यहां पर 12 ही आएगा, लेकिन टाइम पीरियड 1/2 ईयर के लिए था इसलिए यहां पे 1/2 कर देंगे और अपॉन में 100 करेंगे, इसके नीचे ही ले जाते हैं। देखिए 6 टाइम में कट गया, सॉल्व कर रहे होंगे 62,500 इंटू, देखिए 112 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 112 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो देखिए 1.12 इंटू 1.12, इसे 2 स्क्वायर है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1+6/100 यानी 106/100, तो 1.06 यहाँ पर बचेगा। इसके बाद ये जो अमाउंट बन के आएगा बच्चों, ये बन के आएगा हमारा 83,104 रुपीज। कैलकुलेशन टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले सॉल्व कर रखी है। तो देखिए अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा और हमें यहाँ से निकालना था CI, तो बच्चों CI कितना बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें गिवन है 83,104 माइनस प्रिंसिपल जो हमने लिया था वह था हमारा 62,500 रुपए। तो अमाउंट हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो अमाउंट आएगा, सॉरी CI जो बनेगा वह बनेगा 20,604 रुपए। तो इस तरीके से अमाउंट और CI हम फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए, लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 9,000 रुपए, टाइम पीरियड दे रखा है 10%, सॉरी रेट परसेंट है 10% और टाइम है 2 साल 4 महीने। अब देखिए इसे 2 साल 4 महीने को भी हमें ईयर में बदलना पड़ेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले की तरह ही हो जाएगा 9,000। और देखिए यहां पर टाइम पीरियड कितना है, 2 साल 4 महीने। जब भी मंथ्स को हमें ईयर में बदलना होगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे, रेट परसेंट कितना दे रखा है 10%। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो पहले इसे बदल लेते हैं, 2 साल तो ये रहेगा ही और 4 महीने को 4/12 कर देंगे 1/3 ईयर। इसका मतलब अमाउंट का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1+R/100 की पावर n, तो टाइम पीरियड पहले जो पूरे 2 साल का है उसे ले लेंगे इनटू 1+1/3 इनटू टाइम पीरियड मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा इस तरीके, देखिए 9000 इनटू इस वैल्यू को यहां से काटेंगे, देखिए 11/10 आएगा तो 1.1 इंटू 1.1, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई देखिए 10 यहां पे कट जाएगा। अब इसे लिखेंगे तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, ये जो 1/3 है ये अपॉन में ही आ जाएगा यानी कि 1/30 बन जाएगा, तो 1+1/30 मींस 31/30 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू का 9000। इसे यहां से काट देते हैं 300। अब हमारे सामने सीधी सीधी वैल्यू रह जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व कर रहे होंगे तो यह कुछ वैल्यू बनेगी 11,252.9 और इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो यह वैल्यू बन जाएगी हमारी 11,253 के अराउंड। तो राउंड ऑफ करने के बाद में इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा क्योंकि हमें CI पूछा, CI भी निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सॉल्व कर रहे होंगे, ये वैल्यू बनेगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम इसमें CI और अमाउंट फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। एक ट्रिक के तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन ये वो ट्रिक मैं आने वाली वीडियोस में सेपरेटली बना दूंगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और पेपर के तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकें। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगली वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।